नमस्कार, मैं हूं ज्योति बघेल। बीवीएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं फरीदाबाद की। रमजान के पाक महीने के बाद में फरीदाबाद बल्लभगढ़ की जामा मस्जिद में ईद उल्फ फितर पर नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने अपने वतन हिंदुस्तान और पूरे आवाम में शांति और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर इंटरनेशनल शूटर सिंह राजा धाना के पिता ने मस्जिद में पहुंचकर सभी मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और मस्जिद के रखरखाव के लिए 1,00,000 रुपए का चेक भेंट किया। जश्न के इस दिन पर सभी धर्मों के लोगों ने मस्जिद में एक दूसरे को गले लगाया, ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है, लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जिला फरीदाबाद इमाम जाम मस्जिद ऊंचा गांव में अपनी तरफ से और अपनी मस्जिद कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश, पूरी बस्ती और इलाके के लिए ईद उल फितर की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने आज जो यहाँ संगम देखा, जो अब से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का रहा है, उस एतबार से आज यहाँ देखने को हमारे बस्ती के बुजुर्ग चौधरी प्रेम सिंह अधाना जी, भाई नरसिंह अधाना, सतीश अधाना, जो अधाना परिवार से सुनील अधाना और बहुत सारे साथी यहाँ हमें मुबारकबाद देने के लिए आए, तो इससे ये खुशी हुई है कि जो लोग कहते हैं कि नफरत है देश के अंदर, मैं मानता हूँ कि होगी जहाँ होगी, लेकिन इस बस्ती में, इस इलाके में बहुत बढ़िया अमन। प्रेम सिंह अधाना, जो आपको भी सभी भाइयों को मुस्लिम है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, हमारे जो मोहम्मद साहब का ये इकबाल है कि आज ईद के समय पे हमें यहाँ दर्शन हुए हैं सभी जमात के, और सभी भाइयों को ईद की मुबारक। जो हम अपने सब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और सिख ईसाई सभी मिलके ऊँचे गांव निवासी साथ ही मिलके मनाते हैं, और ईद की जो है एक बहुत ही बड़ा हमारे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र का ही रमजान का महीना होता है। माफ़ करना, हमारे जो लड़का है सिंगराज अधाना, जो टोक्यो ओलंपिक